हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज एसी सर्किट का 13th लेक्चर है। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, सर्किट कंज्यूम्स 2048 वाट एंड टेक्स अ करंट ऑफ 16 एम्पियर, कैलकुलेट सर्किट कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने एसी सर्किट के 7th लेक्चर में बताए थे। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको एसी सर्किट के सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। वो फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंगल फेज एसी सर्किट का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है और गिवन डाटा में सबसे पहले आपको सर्किट लिखना है कि किस टाइप का सर्किट दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ सीरीज आरसी सर्किट, देखो यहां पे सर्किट का नाम दिया है, कौन सा सर्किट है, तो ये आरसी सर्किट है। ओके, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी दिया है, कितना 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके पीछे, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, सर्किट कंज्यूम्स 2048 वैट। देखो यहां पे यूनिट वैट है, इसका मतलब ये पावर दिया है, पावर कंज्यूम, पर्टिकुलर सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो पावर दिया है कितना 2048 वैट। ओके, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है इट टेक्स अ करंट ऑफ 16 एम्पियर। देखो सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट यहां पे दिया है 16 एम्पियर का। और क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द सर्किट कॉन्स्टेंट्स। अब ये सर्किट कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करना मतलब क्या, सर्किट कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो सर्किट कॉन्स्टेंट्स पता करने के लिए आपको ये चेक करना है कि किस टाइप का सर्किट है। तो ये आरसी सर्किट है, तो अगर ये आरसी सर्किट है तो सर्किट कॉन्स्टेंट्स हो गए आर एंड सी। समझ में आया, डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि किस टाइप का सर्किट है। अगर आरएल सर्किट होता तो सर्किट कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं आर एंड एल, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, लेकिन आज हम आरसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में सर्किट कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे आर एंड सी। अगर आरएलसी सीरीज सर्किट अगर होता तो ऐसे में सर्किट कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं आर एल एंड सी। समझ में आया, तो सर्किट के ऊपर डिपेंड होता है, तो यहां पे सर्किट कॉन्स्टेंट्स हो गए आर एंड सी, तो हम ये लिख लेंगे आर और सी, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा गिवन डाटा बनके तैयार है। अब हमें इसका सॉल्यूशन यहां पे, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय देखो, कोई भी टाइप का डायग्राम यहां पे दिया हुआ नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो कुछ आप ऐसा चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप आर एंड सी दोनों को सीरीज में लेके आप इसको अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज कितना है, तो 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और इसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आए, और ये आई का वैल्यू है 16 एम्पियर। तो ऐसा सर्किट आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अब आर और सी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आर सी फाइंड आउट करना है तो फार्मूले क्या क्या लगेंगे, चलो हम आपको पहले फार्मूले की लिस्ट आपको बता देते हैं, कौन सा फार्मूला कौन से नंबर पे लगेगा वो हम आपको बता देते हैं, देन आफ्टर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आर फाइंड आउट करने के लिए हम पावर का फार्मूला यूज करेंगे। पावर का फार्मूला है दैट इज आई स्क्वायर आर। ये फार्मूले से आप आसानी से आर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पावर दिया है, लेकिन आर के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो सी फाइंड आउट करने के पहले, सी फाइंड आउट करने के पहले आपको एक्ससी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो अगर आपने एक्ससी फाइंड आउट कर लिए तो फिर आप एक्ससी से आसानी से सी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्ससी के फार्मूले में सी आता है। देखो एक्ससी इक्वल्स टू 1/2πfc, यहां पे सी आता है, ठीक है। अगर आपने एक्ससी निकाल लिए तो आसानी से यहां से सी मिल जाएगा, सी यानी कैपेसिटेंस, तो एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्ससी निकालना है तो एक्ससी निकालने के लिए आपको जेड का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जेड यानी इंपीडेंस। तो जेड का फार्मूला क्या होता है, देखो आरसी सर्किट है तो जेड का फार्मूला होता है दैट इज जेड इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, तो ये Z इक्वल्स टू R माइनस जे एक्स सी। देखो ये फार्मूले से आपको Z निकालना पड़ेगा, या फिर Z का एक और फार्मूला है Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। देखो यहां पे देखो एक्स सी आता है, ठीक है,
यहां पे भी एक्स सी आता है और यहां पे भी एक्स सी आता है, तो ये दोनों में से कौन सा फार्मूला अब हम यूज करेंगे, तो ये दोनों में से हम ये फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट वाला। ये जे के फॉर्म वाला फार्मूला यूज मत करो क्योंकि उसमें जे है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, वो जे होने की वजह से आपको दिक्कत जाएंगी, इसलिए आप ये अंडर रूट का फार्मूला यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला तो हमने यहां तक जेड तक पहुंच गए, लेकिन जेड फाइंड आउट करने के लिए आपको एक दूसरा फार्मूला भी है। देखो जेड फाइंड आउट करने के लिए एक और फार्मूला है, जेड आप यहां से निकाल सकते हैं करंट के फार्मूले से, करंट आई इक्वल्स टू वी बाय जेड, यहां से आपको जेड निकालना है, ठीक है। फाइनली हमने सभी फार्मूले लिख के दिए हैं, अब देखो कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, सिक्वेंस क्या रहेगा वो पहले आप समझ लो। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये रहेगा फार्मूला नंबर वन। ये फार्मूले से आपको आर मिल जाएगा, यानी रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे ये वाला, देखो ये फार्मूला यूज करेंगे करंट आई इक्वल्स टू वी बाय जेड वाला, यहां से हमें जेड मिल जाएगा, ठीक है, यहां से जेड मिलना है, तो ये रहेगा फार्मूला नंबर टू यूज करना है। उसके बाद हम तीसरा फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, देखो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करके हम एक्ससी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें जेड और आर यहां से मिल चुका है, तो बस जेड और आर यहां पर पुट करो, हमें यहां से एक्ससी मिल जाएगा। और एक बार आपको एक्ससी मिल गया तो ये फोर्थ फार्मूला, ये फार्मूले का फिर यूज करेंगे तो फिर आप आसानी से सी निकाल सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए, सीक्वेंस समझ में आ गया। तो चलो अब इसको वन बाय वन यहां पे अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसा कहा क्या यूज करना है, हमें पावर का फार्मूला यूज करना है। पावर पी इक्वल्स टू फार्मूला है आई स्क्योर आर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, कोई भी टाइप के सर्किट के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पावर है, हम यहां लिखेंगे 2048 इक्वल्स टू आई स्क्योर, यानी करंट का स्क्योर, यह है 16 का स्क्वायर इनटू आर, माने रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर फाइंड आउट करना है तो हम यहां लिख लेंगे आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2048 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8 ओम, तो हमें आर मिल गया, कितना मिला आर 8 ओम, ये हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब सर्किट कांस्टेंट्स में आर और सी फाइंड आउट करना था, उसमें से आर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। और अब हमें सी फाइंड आउट करना है, लेकिन सीक्वेंस की अगर बात करें तो जो हमने पहला फार्मूला बताए थे वो तो हमने यहां यूज कर लिए। अब दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला हमें ये यूज करना है और यहां से क्या निकालना है, जेड फाइंड आउट करना है, यानी इंपीडेंस। तो चलो अब हम यहां पर फार्मूला यूज करेंगे करंट का, तो हम यहां लिख लेंगे करंट आई इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, करंट का फार्मूला हमने लिख के दिया है वी बाय जेड, ठीक है। यहां से आपको जेड निकालना है तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर जेड इक्वल्स टू वी बाय आई, ठीक है। वी यानी वोल्टेज, वो है 200, तो हम यहां लिख लेंगे 200, और आई यानी करंट कितना है 16, तो हम यहां लिख लेंगे 16, तो आपको बस 200/16 करना है, तो आपको जेड का वैल्यू मिल जाएगा 12.5 ओम, ऐसा आएगा, हम यहां लिख लेंगे 12.5 ओम, जेड इज द इंपीडेंस, ठीक है। तो ये हमने जेड फाइंड आउट कर लिए, तो हम यहां लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे देयरफॉर जेड इज द 12.5 ओम, ठीक है। इंपीडेंस जेड का वैल्यू हमें मिल चुका है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने दो फार्मूले इसका यूज कर लिया है, देखो ये पहला और ये दूसरा फार्मूला यूज हो गया। और अब फार्मूला नंबर थ्री, हमें ये फार्मूले का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, एक्ससी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे फॉर आरसी सर्किट, क्योंकि आप आरसी सर्किट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। और अब यहां से आपको एक्ससी फाइंड आउट करना है, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको स्क्योरिंग कर लो, दोनों साइड में स्क्योरिंग करने से ऐसा होगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और अगर आपको यहां पे एक्ससी फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो ये ऐसा हो जाएगा, हम यहां पे डायरेक्टली लिख लेंगे एक्ससी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट किए, माइनस हो गया तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया, और एक्ससी स्क्वायर का स्क्वायर वहां से हटा दिए तो यहां पे अंडर रूट आ गया। बस यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लो, तो ये हम यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, जेड स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है, तो आर है 8, तो हम यहां लिख लेंगे 8 स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट अ मिनट। तो ये हम यहां पे एक्ससी का वैल्यू लिख लेंगे, तो एक्ससी का वैल्यू आ चुका है दैट इज 9.6, तो हम यहां लिख लेंगे कितना 9.6 ओम, ये हमें एक्ससी यहां पे मिल चुका है 9.6 ओम। और अब यही एक्ससी का यूज करके आपको
सी मिलने वाला है, इट मीन कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलने वाला है। तो फार्मूला नंबर 1, 2, 3 हो गया, और अब फार्मूला नंबर 4, यहां से हमें सी फाइंड आउट करना है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे, तो XC का फार्मूला है, तो हम यहां लिख लेंगे वी हैव XC इक्वल्स टू 1/2πfc। ठीक है, ये फार्मूला हमें पता है। तो यहां पे एक काम करो, C को XC के जगह लेके आओ और XC को C के जगह पे लेके जाओ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर C इक्वल्स टू 1/2πf इंटू XC। देखो ऐसा, हमने C और XC का प्लेस एक्सचेंज किए, XC के जगह C आ गया, C के जगह XC चला गया, ऐसा। और अब यहां पे बस सभी का वैल्यू पुट करो, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1/2πf माने 50, जो कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखो f का वैल्यू 50 है, और c यानी 9.6, तो हम यहां लिख लेंगे 9.6। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये हम यहां पे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ चुका है 3.315। हम यहां लिख लेंगे 3.315 इंटू 10^-4। ठीक है, ये हमें c का वैल्यू यहां पे मिल चुका है, लेकिन आप चाहे तो इसको अब इसका यूनिट भी लिख लेंगे f, दैट इज फैरड। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसको इंटू 10^-6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 331.5 इंटू 10^-6 फैरड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा हमने क्यों किए, क्योंकि इंटू 10^-6 यानी माइक्रो फैरड के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये हम यहां लिख लेंगे 331.5 माइक्रो फैरड। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज एग्जाम में लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने 10^-4 के फॉर्म में भी बता दिए, 6 के फॉर्म में भी बता दिए, और माइक्रो फैरड ऐसा भी हमने यहां लिख लिया। एग्जाम में आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो सर्किट कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, ये हमने सर्किट कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट कर लिए। ये हमें R मिल गया और ये हमें C मिल गया। इट मींस क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था एसी सर्किट ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 13। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।